Hi guys, welcome back to my channel. It's me Nazi and this video is about winter's clothing haul. So guys, before we start the video, please subscribe to my channel and without any further ado, let's start this video. So guys, welcome back. जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो है अबाउट विंटर्स क्लोथिंग हॉल और ज़्यादा जो आपको ये पैकेजिंग दिख रही है उसमें से ज़्यादातर मैंने ये सब ऑनलाइन बाय किया है और उनमें से AliExpress है, buys.pk एंड PK1 ये जो वेबसाइट्स हैं जिनसे मैंने ये बाय किए हैं. सो गाइज, वन बाय वन आई विल अनपैक देम और मैं आपको दिखाऊँगी कि ये बेस्ट हैं या इसमें कोई कमी है. सो गाइज आई एम गोना अनपैक माई फर्स्ट ऑर्डर जो कि मैंने AliExpress से ऑर्डर किया था एंड आई वॉन्टेड टू बाय दिस फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम गाइज, बट अनफॉर्चुनेटली कराची में सर्दियाँ होती ही नहीं हैं और जो कराची में रहते हैं वो इस बात को सही से समझ सकते हैं. सो गाइज, आई एम अनपैकिंग दिस और ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर था फ्रॉम AliExpress और ये कोट है एज यू कैन सी and it's a very pretty coat guys. As you can see, it's a very pretty coat और ये मैंने उनकी वेबसाइट से पिक्चर देख के सेलेक्ट किया था और पिक्चर में जैसे दिख रहा था ये एग्जैक्टली सेम ही मुझे रिसीव हुआ है गाइज. इसकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी लग रही है और मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी होगी, बिकॉज आप जब भी ऑनलाइन बाई करते हैं कोई चीज़ आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं होनी चाहिए कि आपको क्वालिटी भी इतनी अच्छी मिलेगी. लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है और इसके ये बेल्ट इसके साथ जॉइंट ही है गाइस, और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है मुझे. और इसके बैक साइड भी इसका बेल्ट जॉइंट जाता है एंड आई एम लाइकिंग दिस कोट गाइस. ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे पिक्चर में शो हो रहा था एंड 10 out of 10 गाइस. और मेरा ये फेवरेट कोट था और कराची में सर्दियाँ होती नहीं हैं, बट दिस टाइम आई जस्ट वॉन्टेड टू बाई दिस और मैंने इसको बाई किया है. सो गाइज, यू कैन सी, अगर मैं आपको क्लोजली इसको दिखाऊँ तो ये बहुत ही प्यारा है. इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त है, ऐसा नहीं है कि इसकी क्वालिटी कोई चीप और ऐसा कुछ नो, ये बहुत ही ज़बरदस्त है और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ये इतना अच्छी क्वालिटी में मुझे मिलेगा. सो गाइज, यू कैन सी, ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर था. आई लव दिस और 10 out of 10 है इसके, बिकॉज इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त लग रही है. मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ये इतना अच्छा होगा, बिकॉज जब भी आप ऑनलाइन चीज़ें बाय करते हैं सो आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं होनी चाहिए कि हमें वैसी ही चीज़ मिलेगी जैसे कि पिक्चर में मॉडल ने पहनी हुई है. बट नो, मेरे साथ तो ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा हुआ है, बिकॉज मुझे वैसा ही सेम मिला है जैसे मॉडल ने इसको वेयर किया हुआ था. जो प्राइस थी वो थी $28 गाइज और ये लार्ज साइज़ है, बिकॉज आप जब भी कोई जैकेट या ऐसा कोई स्टफ़ बाय करें ऑलवेज बाय वन साइज लार्जर देन योर्स, बिकॉज आपका जो रियल साइज़ है अगर मीडियम हो देन ये चीज़ें आप लार्ज बाय करें, बिकॉज इनका पता नहीं होता इसका स्टफ़ बहुत ही थिक होता है. सो फर्स्ट ऑर्डर था फ्रॉम AliExpress और ये बहुत ही ज़बरदस्त है. और लेट्स सी के जो सेकंड ऑर्डर है फ्रॉम AliExpress वो कैसा है. सो गाइज जो AliExpress से मेरा सेकंड ऑर्डर था वो था एक स्वेटर एंड ये भी स्वेटर मैंने मॉडल को वेयर करते हुए एक पिक्चर में देखा था. सो आई वॉन्टेड टू बाई दिस वन और ये भी बहुत प्रिटी लगी थी, बिकॉज इसमें जो एम्ब्रॉयडरी है गाइज मैं आपको शो करती हूँ लाइक दिस गाइज, इफ यू कैन सी. ये बहुत ही ज़बरदस्त एक स्वेटर है और इसमें एम्ब्रॉयडरी जो हुई हुई है मल्टी कलर्स में, आई लव दिस. और इसकी स्लीव्स में भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है गाइज. और इसकी जो कॉस्ट थी वो थी $22 आई थिंक और ये भी एग्जैक्टली सेम ही मुझे रिसीव हुई है जैसे कि मैंने पिक्चर में देखा था. सो गाइज, इसकी क्वालिटी बहुत सॉफ्ट मटेरियल में, ये ऐसा नहीं है कि कोई चीप क्वालिटी में दिया है, बिल्कुल ज़बरदस्त है. बिकॉज कोई चीप चीज़ होती है जो वो आपको आसानी से समझ आ जाता है कि ये स्टफ़ ये चीज़ बिल्कुल चीप है और ये सही भी नहीं लग रही, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट है और इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त है. और जो सेकंड ऑर्डर था फ्रॉम AliExpress वो भी एग्जैक्टली सेम ही रिसीव हुआ है गाइज. अगर आपको नज़र आए यू कैन सी कि ये बहुत ही प्रिटी और बहुत ही ज़बरदस्त इसमें एम्ब्रॉयडरी हुई है गाइज, और इसके स्लीव्स में भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है एंड
यू कैन सी बहुत ही ज़बरदस्त है ये। तो गाइस यू कैन सी जो मेरा सेकंड ऑर्डर है फ्रॉम अलीएक्सप्रेस वो भी एग्जैक्टली सेम ही है जैसे कि मैंने पिक्चर में देख के से ऑर्डर किया था एंड इसके लिए भी 10 out of 10। और जो सेकंड ऑर्डर है वो डन हो गया है। सो गाइस थर्ड ऑर्डर जो मैंने अलीएक्सप्रेस से किया था वो थे एक विंटर शूज़ एंड गाइस। सो गाइस जो थर्ड ऑर्डर था फ्रॉम अलीएक्सप्रेस वो थे एक विंटर शूज़ जो कि मैंने ऑर्डर किया और उसको ऑर्डर करते हुए मुझे मुश्किल नहीं हुई बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छी मेजरमेंट दी हुई होती हैं। उससे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा शूज़ फिट आएगा गाइस। और ये वहीं से देख के मैंने अपने साइज़ के शूज़ ऑर्डर किए हैं। सो यू कैन सी इट्स अ वेरी प्रिटी प्रिटी विंटर बूट गाइस यू कैन सी। और ये बहुत ज़बरदस्त है, उसकी क्वालिटी भी सेम ही है एग्जैक्टली जैसे कि पिक्चर में शो हो रही थी। सो जो सेकंड है इसका गाइस यू कैन सी मुझे ये बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं बिकॉज इसकी क्वालिटी और एवरीथिंग इज़ सो नाइस। और थम्स अप बिकॉज ये थर्ड ऑर्डर था फ्रॉम अलीएक्सप्रेस। लास्ट मैंने ये तीन ही ऑर्डर किए थे और तीनों में ऐसी कोई खामी नहीं है बिकॉज ये जो जो क्वालिटी में मुझे मिले हैं इसकी क्वालिटी एवरीथिंग इज़ परफेक्ट और आई एम लाइकिंग दिस बूट गाइज। और इसकी जो प्राइस थी वो थी $24 गाइज। और मुझे ये बहुत पसंद आ रहे हैं। ये मेरा थर्ड ऑर्डर था फ्रॉम अलीएक्सप्रेस, बहुत ज़बरदस्त निकला है बिकॉज मुझे डर लग रहा था। ऑनलाइन शॉपिंग में कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ दिखती है वैसी मिलती नहीं है, बट दिस टाइम मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ठीक है। सो गाइज दिस इज़ परफेक्ट और 10 out of 10 और आई एम गोना पुट दिस डाउन एंड लेट्स कंटिन्यू। सो गाइज जो मेरा नेक्स्ट ऑर्डर था वो था bites.pk, एक इंस्टाग्राम पेज है जहाँ से मैंने ये बाय किया था। ये डेनिम टॉप है गाइज और आई लव डेनिम, मुझे डेनिम टॉप इतना पसंद है बट कराची में सर्दियाँ होती ही नहीं है सो हम लोग पहने कैसे। सो गाइज यू कैन सी इसका बेल्ट भी है साथ में और मैं अगर आपको क्लोजली शो करूँ तो ये भी एक्जैक्टली सेम ही रिसीव हुआ। ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था bites.pk और बहुत ज़बरदस्त है। इसकी कॉस्ट थी अराउंड गाइज 2200 इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्जेस और ये भी बेस्ट है बिकॉज सेम ये एग्जैक्टली जैसे ही पिक्चर में था एंड इसकी भी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। सॉफ्ट सी डेनिम है, ये ऐसी नहीं है कोई फेक सी जो बिल्कुल रफ सी होती है, वैसी नहीं है, ये बहुत ज़बरदस्त है। एंड यू कैन सी इसकी पॉकेट सी, इसका डिज़ाइन फ्रंट में पॉकेट्स एंड ये बेल्ट है इसका। सो गाइज एंड बैक साइड भी बहुत ज़बरदस्त है इसकी और इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त है। सो ये भी मुझे सेम ही रिसीव हुआ है, इसमें भी ऐसी कोई कमी नहीं है। सो गाइस ये था मेरा फोर्थ ऑर्डर फ्रॉम bites.pk और ये मेरा फर्स्ट टाइम था जो मैंने bites.pk से बाय किया और मुझे एग्जैक्टली सेम ही रिसीव हुआ है। सो गाइस इनके लिए भी थम्स अप। सो गाइस जो मेरा नेक्स्ट ऑर्डर था वो था 1.pk, एक पाकिस्तानी ब्रांड वेबसाइट है, वहाँ से मैंने ये ऑर्डर की थी नेक्स्ट अपनी जो स्वेटर है। सो गाइस मैं इसको शो करती हूँ आपको, ये भी बहुत ज़बरदस्त सॉफ्ट है। यू कैन सी ये 1.pk उनकी वेबसाइट है, वहाँ से मैंने ये बाय की थी और इसकी जो रियल प्राइस थी वो थी 2590 रुपीज़, बट आफ्टर डिस्काउंट ये मुझे 1600 की मिली। सो गाइस दिस इज़ नॉट बैड, ये भी बहुत सॉफ्ट मटेरियल में है, बहुत प्यारी है और इसकी ये जो बॉल्स डिज़ाइन है और ये स्लीव्स भी बहुत ही प्रिटी लगती थी मुझे, सो दैट्स व्हाई मैंने ये बाय की है। और इसके साथ मैच में वहाँ पेंट्स में भी सेल लगी थी सो मैंने इसकी मैच की जो पेंट है इसके साथ वो भी बाय की और वो भी एग्जैक्टली सेम ही मुझे रिसीव हुई है। गाइस इफ यू कैन सी दिस वन, ये मैंने उनकी वेबसाइट से ही 1.pk की वेबसाइट से ही बाय की और यू कैन सी ये बहुत ज़बरदस्त लग रही थी इसके साथ सो मैंने ये बाय कर लिया। और इसकी भी प्राइस आई थिंक 1500 में आफ्टर सेल थी और यू कैन सी गाइस इसके साथ बहुत ज़बरदस्त लगेगी। सो ये था उनकी वेबसाइट से 1.pk और इनकी वेबसाइट से मैं काफ़ी बार बाय कर चुकी हूँ और हर टाइम मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ही रहता है बिकॉज ये जो पिक्चर्स में होता है वही सेम एग्जैक्टली आपको डिलीवर भी करते हैं। सो गाइस जो मेरा नेक्स्ट ऑर्डर था वो भी 1.pk की वेबसाइट से ही एक स्वेटर मैंने बाय किया है एंड आई एम गोना शो यू दिस वन टू और ये भी बहुत ज़बरदस्त इनकी थी।
और ये भी सेल में यू कैन सी, ये भी बहुत ज़बरदस्त स्वेटर है, ये भी वन डॉट पिकी की वेबसाइट से मैंने बाय की थी। इफ यू कैन सी गाइस क्लोजली, ये भी एक लॉन्ग स्वेटर है और इसकी स्लीव्स में भी ये लगे हुए हैं गाइस, दिस इज सो प्रिटी। और ये भी सेल में ही थी, इसकी जो एक्चुअल प्राइस थी वो थी 2990 रुपीज़, बट आफ्टर डिस्काउंट ये भी मुझे आई थिंक 2000 तक ही पड़ी है। सो गाइस दिस इज़ नॉट बैड। और ये था वन डॉट पीके की ही वेबसाइट से मेरा ऑर्डर, और ये भी एग्जैक्टली सेम रिसीव हुआ है, इसके लिए भी 10 out of 10 गाइस। सो गाइस जो मैंने ऑनलाइन चीज़ें बाई की थी वो मैंने सब अनपैक कर दी हैं, और जो मैं बाकी आप लोगों को शो करने वाली हूँ वो मैंने खुद जाके डॉलर मॉल से बाई किए थे। सो गाइस जो कोट है ये एक कोट मैंने डॉलर मॉल से बाई किया था गाइस, और ये भी बहुत ज़बरदस्त मुझे लग रहा था। आजकल सीज़न है कोट का और ये काफ़ी ट्रेंडिंग भी है, सो गाइस दैट्स व्हाई मैंने ये बाई किया, और ये मैंने ट्राई किया था तो ये भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा था, यू कैन सी गाइस। और इसकी भी प्राइस आई थिंक 2000 तक, फेवरेट कोट है गाइस, और ये बहुत ही क्यूट लग रहा था, एंड ये मैंने खुद जाके मॉल से बाई किया है, ये ऑनलाइन मैंने नहीं लिया। सो गाइस यू कैन सी ये बहुत ही ज़बरदस्त विंटर कोट है, एंड इसका भी एक बेल्ट है, एंड दिस कोट इज सो प्रिटी गाइस, और इसको मैंने जब ड्रेस किया सो दिस वॉज लुकिंग वेरी नाइस, दैट्स व्हाई मैंने ये बाई कर लिया। एंड इसके बैक में भी बेल्ट जा रहा है, और फ्रंट विंटर बूट के साथ इसको पेयर अप करें विद ब्लैक जीन्स, सो गाइस इट विल लुक सो नाइस। सो दिस इज़ डन, और जो नेक्स्ट है वो भी एक स्वेटर, ये नेक्स्ट वन थी, ये है लॉन्ग स्वेटर जो कि मुझे बहुत ही प्यारी लग रही थी, एंड दिस इज़ नेट फैब्रिक, और ये भी बहुत ज़बरदस्त लग रही थी, दैट्स व्हाई मैंने ये बाय की। इसकी टू पॉकेट्स भी हैं फ्रंट में, एंड लुक एट दिस गाइस, दिस इज सो प्रिटी। और ये लॉन्ग स्वेटर टाइप है, एंड यू कैन सी ये मैंने गाइस ऑनलाइन परचेज नहीं की, ये मैंने खुद जाके मॉल से लिया है, सो गाइस दिस इज डन। सो गाइस ये थी मेरी वीडियो अबाउट विंटर्स क्लोथिंग हॉल, आई होप आपको पसंद आई हो। सो गाइस मैंने जो भी अनपैक किए थे वो उनमें से ज़्यादातर जो मैंने ऑनलाइन परचेज नहीं किया उसके ऑर्डर थे, जो कि मैंने अलीएक्सप्रेस एंड बाइस डॉट पी के एंड वन डॉट पी के से मैंने जो परचेज़ किए थे गाइस, जो पाकिस्तानी ब्रांड्स होते हैं उनकी वेबसाइट से जो भी ऑर्डर होते हैं वो एग्जैक्टली सेम ही होते हैं, बट जो अलीएक्सप्रेस है उससे कभी कभार प्रॉब्लम हो जाती है ऑर्डर्स में, मेरे साथ भी 2-3 दफ़ा प्रॉब्लम हुई, बट दिस टाइम मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे एग्जैक्टली सेम अपने ऑर्डर रिसीव हुए हैं। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।